अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज मैं पाए का सालन बना रही हूँ। उसके लिए चार पाए मैंने गला ली हूँ और ये प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये एक बड़ा चम्मच मिर्ची का बुक्की है, धनिया बुक्की है 2 चम्मच, एक आधी चम्मच हल्दी है, ये नमक है स्वाद अनुसार और तेल मैंने डाल चुकी हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी प्याज डालेंगे। प्याज अपने को पूरी ब्राउन करनी है, गोल्डन ब्राउन करनी है। ये अभी अपनी प्याज है ना ब्राउन हो चुकी है, तो अभी अपन अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। 2 बड़ा चम्मच डाल देंगे घर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं इसको, भुना ही करेंगे। ये अपना डालेंगे धनिया पाउडर, ये लाल मिर्ची पाउडर और ये नमक। अपने नमक पहले गलाने में डाल चुके थे, इसके लिए नमक थोड़ा कम डाले। अभी अपन 10 मिनट के लिए ये मसाला अच्छा भूनेंगे पाए डाल के। चलो अभी अपने पाए हम लोग डाल रहे हैं और अभी 5 मिनट और अच्छा भूनेंगे। इसमें गर्म मसाला भी डाली थी मैंने उबालने में, इसको 5 मिनट अच्छा इतना ग्रेवी चाहिए उतना रख के हरा धनिया डाल दूं। ये भी अपने 1 गिलास पानी डालेंगे और इसमें देखते हैं अपने को कितनी ग्रेवी चाहिए। तो इतना गाढ़ा हुआ है तो अपन और थोड़ा 1 गिलास और पानी डालते हैं। अभी इसमें और 1 गिलास पानी डालते फिर इसको अपन ये अपने सालन को 5 मिनट अच्छा पका लेंगे, उसके बाद में निकालेंगे दिखाएंगे। चलो अभी ये 5 मिनट हम लोग अच्छा खोलने देंगे अपने सालन को। अलैकुम। देखिए अपना पाए का सालन अभी रेडी हो चुका है खाने के लिए। हम लोग नान के साथ खाइए खा रहे, आप चाहे तो पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ और चावल के साथ भी खा सकते हैं। अब बनाइए अपने घर में और मेरे चैनल को ले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।